नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। धर्मनगरी हरिद्वार के मातृ सदन आश्रम में गंगा की स्वच्छता और गंगा पर बन रहे बांधों को रोकने के लिए पिछले 15 दिनों से स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद अनशन पर बैठे हैं। उनको समर्थन देने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे। लोगों से जुड़ने के लिए हरीश रावत ने खुद मातृ सदन पहुंचकर अनशन को समर्थन दिया और अपने समय में गंगा के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों को भी गिनवाया। बता दें कि ज्ञान स्वरूप सानंद गंगा को विशेष नदी का दर्जा देने और गंगा के लिए एक्ट बनवाने के लिए अनशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी सरकारों ने गंगा के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। गंगा के किनारे घाट बनवाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाना, ये सब कार्य गंगा के हित में नहीं बल्कि सरकार का दायित्व है। कि निर्मलता, स्वच्छता, अविरलता केवल नारा बन करके रह गई, वास्तविक धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। तो गंगा के लिए जो कुछ होना चाहिए था उत्तराखंड में, कुछ भी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और यही स्थिति सारे देश भर में है। रहे हैं ढेर सारे, उन कार्यों की जिम्मेदारी वास्तव में नगर निगम, नगर पालिका और वहाँ के लोगों पर है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की कोई जिम्मेदारी गंगा जी की नहीं है। और अगर आप गंगा जी के लिए कह रहे हैं कि वो बना रहे हैं, इसी तरह से जो भी काम वो गिनाते हैं, घाट या इस तरह की चीज़ें, उनसे गंगा जी को लाभ नहीं है। यात्रियों को लाभ हो तो वो गंगा जी के लिए नहीं है। तो अब ये प्रश्न है कि गंगा जी के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ये सब निर्णय उस एक्ट के अंतर्गत हो। आप तो जल्दी से एक्ट पास कराओ। हरिद्वार से विकास कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के विभिन्न अस्पतालों में ज्वाइन कर चुके 13 डॉक्टर साल 2016 से अभी तक ड्यूटी से गायब हैं। दूसरी तरफ हाल ही में जिले को 19 डॉक्टर मिले थे, जिनमें से 8 ने अभी तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। स्वास्थ्य विभाग ने अब इन 13 डॉक्टरों को चेतावनी नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बता दें कि जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाने के लिए 96 चिकित्सकों के पद सृजित हैं, मगर यहाँ महज 58 चिकित्सक ही काम कर रहे हैं। 13 डॉक्टर हैं जो कि अभी ज्वाइन करने के बाद गायब हो रखे हैं। अब बीच बीच में इनको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन फाइनल अब लग रहा है कि ये नहीं आएंगे, इसीलिए फाइनल नोटिस हम लोगों ने दिया है इनको। एक सप्ताह का समय दिया है, अगर ये ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर सर्विस से हटा दिया जाएगा नियम के अनुसार। हमारे पास अभी 96 स्वीकृत हैं, जिसमें से 58 डॉक्टर हैं हमारे पास। तो अभी भी काफ़ी 19 का अपॉइंटमेंट हुआ है MBBS डॉक्टर का, तो उसमें से 11 ने तो ज्वाइन किया है और 8 ने ज्वाइन अभी नहीं किया है। तो उसकी भी हम लोगों ने सूचना अपने महानिदेशालय स्तर पे या शासन में दे दी है। रुद्रप्रयाग से नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला ब्रेक का, बने रहे नेशन वन के साथ। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी, देन आई फाउंड manglik.com। शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1,00,000 से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglik.com, use promo code nation1। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिला प्रशासन ने ऐसे 38 ODF शहरी लोगों को चिन्हित किया है जो शौचालय का पैसा डकार गए हैं। ADM ने इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ADM विमल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इन लोगों को 8,000 रुपये 2 किश्तों में शौचालय बनाने के लिए दिए गए थे, लेकिन इन लोगों ने पैसे मिलने के बाद भी शौचालय नहीं बनाया, जिन पर अब सख्त कार्रवाई करते हुए पैसों की रिकवरी की जाएगी। इसी क्रम में सरकार शौचालय बनाने के लिए पात्र व्यक्तियों को धनराशि उपलब्ध करा रही है, जिसमें प्रथम किस्त में 4,000 रुपये और द्वितीय किस्त में 4,000 रुपये, कुल 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और जो प्रथम किस्त दिए गए हैं उसमें गड्ढा नहीं खोदा है और उन्होंने उसका दुरुपयोग कर लिया है। इस संबंध में मेरे ही द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो भी उपभोक्ता इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं शासकीय धन का, उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करते हुए या वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्राथमिक दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कराएं और उनसे उन पैसे की वापसी कराएं, ताकि अन्य पात्र व्यक्तियों को भी उस पैसे की धनराशि उपलब्ध करा के उनके शौचालय बनवाया जा सके। हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौकशी की घटना को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना का कहना है कि 26 जून को बुलंदशहर पुलिस ने गौकशी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर एक युवक को जेल भेजा था, जबकि इस मुकदमे का एक आरोपी सपा जिलाध्यक्ष हामिद अली के भाई का साला है, जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं एसपी का कहना है कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है और एक युवक को जेल भेजा जा चुका है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली देहात के मलिया क्षेत्र में एक गौकशी का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें 6 लोग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है, जिसमें से एक लोग को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है, बाकी विवेचना प्रचलित है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मेरे परिवार को पूरा बुलंदशहर अच्छे से जानता है और मेरे बारे में भी जानता है। ये टोटल षड्यंत्र राजनीतिक से प्रेरित है और मैं खुद उच्च अधिकारियों से मांग करूँगा कि इसकी अच्छे से जांच करें। बुलंदशहर से यतिन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।